Hi, good afternoon. This is Huma. As we all know, ICSE has conducted their first exam today of class 10, which was of English paper. So we are outside of St. Joseph's School to record the reaction of students and their parents. So come, let's have a word with them. Aapka naam? Sukanto Singh. To aapke beta ya beti kaun hai? Beta hai. To kya aaj unka boards hai, to aapne unko kaise motivate kiya aaj? Hum to ek hi cheez bolta hai. लिखाई पढ़ाई जितना है जैसा है वो तो करेगा ही. मेन है आदमी का माफी, आदमी का साथ बिहेवियर बढ़िया करना चाहिए. और उसको बोलते हैं पास फेल तो होता ही है लिखाई पढ़ाई में, लेकिन जिंदगी में आदमी बढ़िया हो, आदमी को रिस्पेक्ट करो. हम पहले यही सीख लाता है इसको. तो ये तो बहुत अच्छा है. और आपने उनका घर में रूटीन क्या था, कैसे पढ़ाई करते थे, या जो भी आप कैसे उनको मोटिवेट करते थे, कैसे गाइड करते थे? मोटिवेट करते थे हम लोग तो उसका साथ, तो उसका माँ उसको पढ़ाता है और टीचर भी है प्राइवेट. और मोटिवेट बोलते वो उसको हम कभी जोर नहीं डाला है, जैसा वो चाहता है उसका वो हिसाब से पढ़ता है. खिला बुदला जो जैसा करता है वो हिसाब से करता है. हम कभी उसको बोला नहीं जाए अभी इतना टाइम पढ़ना ही पड़ेगा, कोई सा नहीं. अभी हम लोग का जिंदगी में जो हम लोग बीता है, अभी ये लोग का जिंदगी और थोड़ा अलग है, फास्ट है जी. लेकिन हम उतना वैसे ही नहीं करता है. कुछ दिन पहले ही ऐसा एक तो प्रेशर देने से ये स्कूल एक तो लड़का, हम लोग का लड़का का ही दोस्त था तुनीर बनर्जी, 3-4 महीने पहले सुसाइड किया है मेट्रो में. तो इसलिए हम कभी पैसा नहीं करते हैं. हम लोग बोलते हैं ये पढ़ो जैसे तुमको मन चाहे, जैसे तुमको दिल चाहेगा वही सबसे करो. तो आपका कोई एक्सपेक्टेशन होगा उसको लेके? लिखाई पढ़ाई में नहीं है, लेकिन जिंदगी में तो है ही. हम जैसे वो अभी कुछ BSF चाहे हम लोग का आर्मी में ज्वाइन करना मांगता है, तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कोई बढ़िया से यदि ये मिल जाएगा. अभी इंटरव्यू देगा, अभी एग्जाम हो जाने के बाद ही वो स्टार्ट करेगा उसे. थैंक यू फॉर योर टाइम. सो एज वी कैन सी कि इन्होंने बोला है कि लाइफ में पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, इंसान को अपनी बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए. अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो लाइफ भी अच्छे से बीत सकती है. तो इनकी बहुत अच्छी थिंकिंग थी, तो हम सबको अप्लाई करना चाहिए, हमें अपना बिहेवियर सबके साथ अच्छा रखना. योर नेम? मोहम्मद अल्तमश अली. सो लाइफ का पहला बोर्ड था, एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस अच्छा था, जितना सोचे थे हार जाएगा उससे इजी किया पेपर भी शॉर्ट था, इन्विजिलेटर लोग भी सब अच्छा था. तो लाइफ में ऐसा पहली बार था, नर्वस हुए या नहीं हुए? नहीं, नर्वसनेस नहीं था. क्यों? सब कुछ प्रिपेयर था इसलिए नर्वसनेस नहीं था. पहला पेपर लैंग्वेज था तो कुछ प्रिपेयर करने का था नहीं ज्यादा. तो कैसा गया आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया. तो आप ऐसा कुछ था जो आउट ऑफ सिलेबस था या डिफिकल्टी था या कुछ ऐसा आ नहीं रहा था? नहीं नहीं, पेपर बहुत अच्छा था. पेपर बहुत अच्छा था. तो कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? 80-90%. माय नेम इज ऑर्को बोरल ऑफ सेंट जोसेफ्स कॉलेज. सो दिस वाज योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? या आई वाज नेचुरली वेरी टेंस एट फर्स्ट, बट स्लोली एज द पेपर प्रोग्रेस द टेंशन स्टार्टेड एबिंग आउट ऑफ मी. And almost at the last of the paper, I didn't feel the pressure. And I think it was a really easy paper as to what we had practiced before and as what you had expected. And in a way, that is a good thing. And that gives us the confidence to do well in the other exams also. So yes, it was a nice experience. So was the paper lengthy? Yeah, aisa kuch tha jo time ke saath pura nahi hua? No, the paper was really not that lengthy, and a lot of my friends told that I finished before like 20 minutes and 15 minutes. I also finished 10 minutes before, and so the paper was good. So what's your expectations? I think I can expect, I don't really want to boast myself, but I think a 70 would be fine. Okay, that's really nice. Okay, best of luck. Your name? My name is Shaunak Datta. I'm giving my ICSE exam. So the paper was good, although as we expected, the paper was not very hard or tough. It was a mediocre. Everyone will do well, I think. The essay topics were really great. You can write, you can think and write, and mostly it was good. So this was your first board exam. Yeah. So how was your experience? Well, yesterday night was really like I need to buckle up myself, pull up my socks, like.
it was like I am appearing first time. It was my first day. From tomorrow, it will be okay. Oh, from the next examination, I mean. So were you nervous and all? Yes, definitely. So how much marks do you expect? I won't go into that because I have done it good. I have done well, and after coming out, I when I matched with my friends, few answers, 2-3 answers got wrong. So I'm not thinking of that. Let the result decide that. So all set for the next of the paper, all prepared and all. Yes, there's maths, so it's all prepared. No. Okay. Thank you for your time. Aapka naam? Mera naam Shubhendu Kumar Das. To aap apne bete ya beti kisko lena? मेरा बेटे का स्कूल है ये तो क्लास 10 का बोर्ड्स दे रहे हैं ये बोर्ड्स दे रहे हैं उनका पहला बोर्ड है आज तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक ही है कि उन लोग को जैसा वो टेंशन नहीं हो ऐसा कुछ बोला है हम लोग जैसा हम लोग का तरफ से एज अ गार्जियन जो जितना जितना करने का है हम लोग किया तो अभी उन लोग निकालने के बाद पता चलेगा फर्स्ट डे आज क्या उन लोग का एक्सपीरियंस क्या है पता चलेगा उन लोग को निकालने के बाद तो आप घर पर उन लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं मोटिवेट तो हम लोग किए कि स्टडीज करो या लेजर टाइम में टीवी मत देखो थोड़ा न्यूज़ देखो या स्पोर्ट्स देखो दूसरा कुछ नहीं देखे मोबाइल नहीं घर के ऐसा करके मोटिवेट किया ऑफ टाइम में थोड़ा बाहर ले जाने के लिए फ्रेश करने के लिए ले गया जैसा जैसे हम लोग का दिल चाहा कैसे हम लोग मोटिवेट करें वैसे हम लोग मोटिवेट किए इन लोग को तो आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है उन लोगों से देखिए हर फादर या मदर गार्जियन को बोले उन एक्सपेक्टेशन अपना वर्ड के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए जैसा वो सर मेरा भी है अभी उन लोग का एग्ज़ाम का बाद देखा जाएगा कैसा होगा ऐसी तो एक्सपेक्टेशन मेरा रखा है वो 80% का अबव मिलेगा उसको ऐसे एक्सपेक्टेशन मेरा है और अगर 80% के अबव नहीं मिला तो कुछ तो सोचा होगा नहीं सोचने का कुछ बात नहीं है नहीं मिला तो नहीं मिला तो जैसा चलेगा वैसे चलेगा चलने होगा नहीं मिला तो क्या करेगा उसको मार तो नहीं डालेगा सकेगा या कुछ नहीं कर सकेंगे जो हो गया तो हो गया एक बार बंदूक गोली से निकल गया सो हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों से बात कर ली है काफी पॉजिटिव वाइब्स था आज था लैंग्वेज का पेपर तो उनका पेपर मोर ओवर अच्छा ही गया है कुछ को थोड़े लेंदी लगे कुछ थोड़े नर्वस थे कुछ नहीं थे उनका एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा रहा तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर हमारा क्या होता है हम अब नेक्स्ट कौन सा स्कूल टारगेट करते हैं टिल देन थैंक यू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब